शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृत कौर अस्पताल में शनिवार को चिकित्सकों की कमी के कारण आउटडोर की सेवाएं प्रभावित रही। इस दौरान सुबह 9 बजे से चिकित्सकों की सेवाएं नहीं मिलने के कारण आउटडोर कक्ष संख्या 22 के बाहर रोगियों की भीड़ देखी गई, जिसके कारण गंभीर रोगियों और वृद्धजनों को परेशानी उठानी पड़ी। उधर आउटडोर में व्यवस्थाएं बाधित होने की जानकारी मिलने के बाद डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर साबिर हुसैन और पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान ने हाथों हाथ दो चिकित्सकों की ड्यूटी आउटडोर में लगाई, जिसके बाद जाकर रोगियों की जांच की जाकर उन्हें उपचार दिया गया। जानकारी के मुताबिक राजकीय अमृत कौर अस्पताल में शनिवार को 44 में से 20 चिकित्सक अवकाश पर चल रहे थे, जिसके कारण अस्पताल के आउटडोर में 9 बजे चिकित्सक नहीं होने से कक्ष संख्या 22 के बाहर रोगियों की भीड़ देखी गई। आउटडोर कक्ष के बाहर रोगियों की संख्या बढ़ने और कक्ष में चिकित्सक नहीं होने की जानकारी के बाद डिप्टी कंट्रोलर और पीएमओ डॉक्टर एसएस चौहान ने कक्ष में चिकित्सकों की व्यवस्था की, तब कहीं जाकर रोगियों की जांच हो सकी और उपचार की व्यवस्था सुचारू हो पाई। कुछ चिकित्सकों के अवकाश के अंदर होने के कारण थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो 22 नंबर कमरे के अंदर क्योंकि पेशेंट सीरियस हो गए थे, तो एक ग्राउंड कर रहा था और एक ऊपर गया था डॉक्टर मनोज नवल और संजय शर्मा। तो यहाँ पर पेशेंट को देखने के लिए जब ज़्यादा समस्या आने लगी तो मैं खुद स्वयं जाकर वहाँ पर ओपीडी का कार्य देखा और उसके बाद तुरंत मनोज नवल को फ़ोन करके वापस बुला लिया और उसने व्यवस्था देखी। फिर थोड़ी देर बाद के अंदर सुनील कुमावत साहब को भी बुला लिया, उन्होंने व्यवस्था देखी और उसके बाद मनोज नवल ओपीडी की व्यवस्था देख रहे हैं और सुनील कुमावत साहब जो मेडिकल जर्नलिस्ट हैं उनको भी मैंने बोला कि समय समय पर जब भी थोड़ा रिलैक्स जब मेडिकल जर्नलिस्ट का कार्य नहीं हो तो वहाँ आकर कार्य देखें। कुछ टाइम के लिए समस्या हुई थी, उसके बाद तो मैं खुद आज चला गया था और उसके बाद के अंदर डॉक्टर मनोज नवल आ गए थे वहाँ पर, नवल देख रहे हैं और डॉक्टर सुनील कुमावत और मुकेश भागवत को भी बुला लिया है वहाँ पर और वो तीन डॉक्टर व्यवस्था देख रहे हैं वहाँ पर।